साथियों, इन पूंजीवादी पार्टियों के हथकंडे जो किस तरह से हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए लगाए गए हैं, इस पे हम आगे जाके थोड़ा सा और बात करेंगे। परंतु अब लोकसभा आम चुनाव में ये पार्टियां फिर आपके बीच में आके आपसे झूठे मूठे वादे करेंगी। झूठे मूठे क्या, मीठे मीठे वादे करेंगी। आपको बताएंगी कि किस तरह वो आपके लिए सीटें आरक्षित करेंगी, किस तरह आपको मुफ्त में राशन देगी। परंतु इस बारी पहले आप उनसे पूछिएगा कि भाई, जब पिछले 10 साल से तुम सत्ता में आसीन हो तो उसका जरा रिपोर्ट कार्ड हमें दे दो, उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि वोट देना है कि नहीं। और इस बारी मैं कुछ मुद्दे आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं जो आप उनसे पूछ सकते हैं। साथियों, पिछले 10 साल से भाजपा केंद्र की सरकार में आसीन है, उनसे आप सिर्फ 3 मुद्दों पे बात कीजिएगा कि भाई, तुमने हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया, उन्होंने हमारे युवा साथियों के रोजगार के लिए क्या किया, और हमारे बड़े बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए क्या किया। साथियों, मैं ये कुछ पॉइंट्स आप पे छोड़ के जा रहा हूं जो आप उनसे जरूर सवाल कीजिएगा। साथियों, शिक्षा के मामले में बीजेपी की सरकार के नाम क्या क्रेडिट आता है? हर दूसरे तीसरे महीने पेपर लीक की खबरें आती है, ये है इनकी शिक्षा। पिछले ही कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में कुछ पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम रखा, करीब 60,000 बच्चों ने, हमारे युवा साथियों ने उसके लिए अप्लाई किया, इस उम्मीद से कि उनका बिचारों का सिलेक्शन हो जाएगा, कि वो भी अपने घर में अपने माँ बापों के लिए एक मजबूत पिलर की तरह खड़े होंगे, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। परंतु क्या होता है, कुछ दिनों बाद पता चलता है कि जी पेपर लीक हो गया और वो पेपर रद्द कर दिया गया, ना वो पोस्ट कभी भरी गई। साथियों, आज बीजेपी की सरकार के दौरान पिछले 10 साल से पढ़ाई शिक्षा के मामले में इतना दर गिर चुका है कि आज अगर आप आठवीं कक्षा के बच्चे से पूछे कि भाई, तुम प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो क्या, सरकार का सर्वे है, साथियों सरकार का सर्वे है कि आज भी आठवीं कक्षा के बच्चे, आधे बच्चे ये प्लस माइनस तक नहीं कर सकते। किस बात की शिक्षा दी है उन्होंने पिछले 10 साल में? साथियों, अगर आप बोलते हैं कि इंडिया को आप वर्ल्ड में सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी, सबसे बेस फाउंडेशन एजुकेशन होती है, हमारी शिक्षा होती है। और आप अगर भारत से अमेरिका में काम लोगे, अगर आप भारत से चाइना में काम लोगे, अगर आप भारत से यूरोप से काम लोगे, तो आपकी बेसिक एजुकेशन क्या है? कि आपको अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए? भाई, आप उनसे हिंदी में तो बात नहीं करेंगे ना, आपके बच्चे अंग्रेजी में ही उनसे बात कर पाएंगे। परंतु भाजपा की पिछले 10 साल की सरकार में शिक्षा का इतना बुरा हाल हो चुका है कि आज हमारे बच्चे अंग्रेजी का एक सेंटेंस नहीं बोल पाते। और ये मैं अपने मन से नहीं, सरकार के सर्वे और डेटा रिकॉर्ड से बोल रहा हूं। तो पूछिए भाजपा की सरकार से कि ना तुम पेपर पूरे करा पाए, ना तुम हमारे बच्चों को प्लस माइनस सिखा पाए, ना तुम उन्हें इंग्लिश बोलना सिखा पाए, तो किस बात की तुमने हमारे बच्चों को शिक्षा दी? उन्होंने आपके साथ, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। साथियों, ये बात शिक्षा के साथ साथ आपके भविष्य का है। तो आप एक बार जरूर उनसे पूछिएगा कि भाई साहब, पिछले 10 साल में आप ना ही साका खाली सेंटर में नहीं, यहां उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार में भी आसीन है, और आपके हालात कहीं पे भी सुधरे नहीं। तो इस बारी किस मुंह और हक से आप हमसे वोट मांगने आए हैं? साथियों, वैसे तो केंद्र की सरकार डिजिटल इंडिया के नाम पे बहुत ढिंढोरा पीटती है, जहां जाती है वहां बताती है कि डिजिटल इंडिया ये, डिजिटल इंडिया वो, भारत यहां जा रहा है, भारत वहां जा रहा है। पर हकीकत तो ये है साथियों कि आज 65% से ज्यादा स्कूलों में आज एक कंप्यूटर तक नहीं है। आप बोलते हैं कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, हम बच्चों को एआई के बारे में सिखाएंगे, हम उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? आप सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर नहीं दे सकते। 35% से ज्यादा
35% से कम स्कूलों में आज भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। साथियों, ये जो आपको एक दुनिया में वर्ल्ड इकोनॉमी का सपना दिखाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे हैं। वे पिछले 25 सालों से झूठा वादा दिखाते आए हैं, पहले गुजरात में और अब पूरे भारत में। और आज इसका नुकसान आप लोग नहीं, आपके भविष्य में बच्चे पे चुकाएंगे। साथियों, समय आ गया है उनसे सही सवाल करने का और सही जगह वोट डालने का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।